thinking it was... Think about it like this. Damn AC! What's going on? Let's go. 90 seconds? All right, that's... Go, go, go! Stay on me, across here. Let's go! Let's do this! Shit! Up on the right, oh. Under the overpass. There's a tunnel entrance. So hello guys, welcome back to channel. My name is Hemant and you are watching my channel Hemant Gaming. Guys, जैसा कि हमने अपने last episode में देखा था कि Michael ने van चुराई थी heist करने के लिए और finally आज वो दिन आ गया है जिस दिन हम jewelry shop को लूटने वाले हैं। तो हमारे सारे crew member आ चुके हैं, हमारे पास van भी एक और आ चुकी है और now we are going to rob the jewelry shop. तो गाइज इस मिशन में क्या होगा, ज्वेलरी शॉप में जहरीली गैस फेंक के ज्वेलरी शॉप के सारे स्टाफ को बेहोश कर देगा और उसके बाद हम अंदर घुसकर ज्वेलरी शॉप से सारा का सारा हीरा जवाहरात लूट लेंगे। फिर हम बाइक से भाग के टनल से होते हुए एक नाले के पास पहुंचेंगे और फिर वहां से एक ट्रक में हम अपनी सारी बाइक लोड कर देंगे और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ जाएंगे जहां पे हमें उस ट्रक को छुपाना है। तो गाइस चलो इस धमाकेदार गेम प्ले को देखते हैं और इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स प्ले द GTA 5। तो गाइस अभी मेरे पास लेस्टर का फ़ोन आया था और उसने मुझे एक लोकेशन में पहुंचने के लिए बोला था, तो मैं जस्ट पहुंचने ही वाला हूं उसके बताए हुए लोकेशन। तो गाइज अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है और रात में ड्राइविंग करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, रात में हम तेज़ नहीं चल सकते ना। तो गाइज लेस्टर ने जो फ़ोन पे लोकेशन हमें बताई थी वहाँ पे हम बस पहुँचने ही वाले हैं और आई थिंक यही वो लोकेशन है जहाँ पे लेस्टर ने हमें बोला था आने के लिए, तो हम फाइनली वहाँ पर पहुँच ही गए हैं। तो गाइज वो रहा वो लोकेशन जहाँ पे हमें पहुँचना था और वी आर फाइनली रीच्ड हेयर। तो गाइज अभी हमें इस गाड़ी को शायद लूटना है। शूट ओपन टू द डोर। तो गाइज यही गाड़ी को अभी हमें उड़ाना है। तो यहाँ पुलिस भी हमारे स्वागत के लिए आ गई है। तो गाइस उस बैन को तो उड़ाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। गाइस ये पुलिस बार बार आके डिस्टर्ब क्या यार, वो तो अपना काम कर रही है। गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि वैन रह गई है पीछे और मैं आ गया हूँ आगे। गाइस फाइनली मैंने वैन तो चुरा ली है लेकिन अब मुझे भागना है भाई बहुत तेज़ी से। मैं पकड़ता हूँ ये वाला फ्लाईओवर।
तो फाइनली गाइस हमने वैन चुरा ली है, लेकिन अब यहाँ से हमें भागना है बहुत ही तेज़ी से, और तेज़ी बोले तो तेज़ी, हमें निकल जाना है सात समुंदर पार। कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब हमें भागना है बहुत तेज़ी से ताकि हमें पुलिस वाले पकड़ ना पाए। तो देखो पुलिस के लिए है ये रूल रेगुलेशन, हमारे लिए नहीं है। सॉरी। ओ भाई ये तो पुलिस वाले भी यहाँ से आ रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट टू भागने दो यार मुझे। तो गाइस ये पुलिस वाले तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे यार, ये लोग तो बस कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो गाइस हमें जल्दी से जल्दी इस पुलिस वाले से छुटकारा पाना है तो गेम में बने रहने के लिए, लेकिन तो देखते हैं कि यार हम इनसे कब तक पीछा छुड़ा पाते हैं, बिकॉज़ ये लोग तो ऐसा पीछे छोड़ने वाले लिए हमें अपनी ड्राइविंग स्किल यहाँ पे, एक्चुअली इस गाड़ी की जो लिमिट है ना वो बहुत ही कम है और स्पीड लिमिट ये बहुत तेज़ नहीं चल सकती, इसलिए इनसे थोड़ा छुटकारा पाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं कब का इनके चंगुल से बच के भाग गया होता। ये देखो गाइस साइड में पुलिस वाला आ रहा है। ओए होए 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 होए। भाई यही ऑप्शन है, बस भागते रहो कि जब तक इन पुलिस वालों का पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता। तो भाई सड़क बहुत लंबी है, भागते रहना है। तो फाइनली मुझे दो पुलिस वाले मेरे पीछे लग रहे हैं, लेकिन अब उन्हें छुटकारा पाना। तो गाइज मैं फुल स्पीड में चल रहा हूँ फिर भी ये पुलिस वाले पीछा नहीं छोड़ रहे। आई एम इन फुल स्पीड। यार तुम लोग कोई सामने मत आना प्लीज़। तो गाइज आई थिंक लग रहा है कि पुलिस वालों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अभी आगे ही एक पुलिस वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्यों नहीं यार हम गाड़ी इधर ले लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने पुलिस वाले से छुटकारा पा लिया और मुझे अब इस वैन को ले जाना है लेस्टर के पास गारमेंट फैक्ट्री में। तो चलिए गाइस इसको लेके चलते हैं लेस्टर के पास, और लेस्टर अभी यहाँ से 3 माइल दूरी पर है, तो लेट्स गो देयर। तो गाइस चलिए वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अरे भाई नेट मत चला यार तू। देखिए गाइस वैन चलाने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है, और ये देखिए वैन अंदर से कैसे लगती है। तो ये देखिए गाइस अभी हम वैन को चला रहे हैं और वैन को हम चला रहे हैं अंदर से। तो गाइस ये थोड़ा बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने ऐसे गाड़ी कभी नहीं चलाई। तो अब भाई भाई आई एम न्यू ड्राइवर हियर। तो गाइस ये देखिए कितना एक्साइटिंग लग रहा है अंदर से गाड़ी चलाना। तो हम लोग फाइनली गारमेंट शॉप के पास पहुंचने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा अंदर का व्यू भी दिखाया जाए कि अंदर से गाड़ी कैसी लगती है चलाने में।
तो ये है गाइज उसका व्यू। तो वी आर जस्ट अबाउट टू रीच गारमेंट फैक्ट्री। अरे भाई हट जा यार, बाइक वाले हट जा, नहीं तो उड़ जाएगा ब्रो तू। ओ तेरी माँ की, एक्सीडेंट हो गया यार। तो गाइज फाइनली मैं गारमेंट शॉप के पास, गारमेंट ऑफिस यार नॉट, तो गाइज फाइनली मैं गारमेंट ऑफिस के पास पहुंच गया हूँ। और यहाँ से मुझे लेना है इस साइड, और ये यहाँ पे कुछ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो मुझे यहाँ पे तो भाई ये है गारमेंट शॉप, मतलब गारमेंट फैक्ट्री। तो गाइज फाइनली हम लोग गारमेंट फैक्ट्री में पहुँच गए हैं। और यहाँ तो यार मैं एक और वैन चुरा के लेके आया था, लेकिन शायद उसको वैन पसंद नहीं आई, तो ये रहा जी वैन। Hey Lest, I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. तो गाइस फाइनली मैंने लेस्टर को फ़ोन करके बता दिया कि वैन लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे होता है, तो गाइज यहाँ पे चल रही है प्लानिंग। तो गाइज यहाँ पे हमारे कुछ टीम मेंबर्स भी आ चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक प्लानिंग चल रही है ज्वेलरी शॉप में रॉबरी करने की। तो गाइज यहाँ पे माइकल ने बोल दिया है कि चलो इस प्लान को अब एग्जीक्यूट करते हैं। You're in the truck with the bikes. चलो गाइस। Eddie, you're in the van, all right? See you on little Portolo people. तो गाइस इस टोपी वाले को बहुत जल्दी हो रही है ज्वेलरी को लूटने के लिए। देख रहे हो कितना तेज बार, मतलब मरेगा ना पता लगेगा। तो गाइस हमारे कुछ साथी जो हैं वो उस वैन में जाएंगे और हम कुछ लोग इस कार में जाएंगे। तो ये लोग जाएंगे उस वैन में क्योंकि हमें उस वैन का यूज करना है। तो लेट्स गो ब्रो। तो गाइस अब हम लोग रॉबरी के लिए निकल चुके हैं। तो गाइस हम लोग अभी ज्वेलरी शॉप के पास पहुंचने वाले हैं। अरे भाई निकलने दे यार, हमें बहुत जरूरी काम है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने मिशन के पास। तो गाइस यहां पे जो फ्रैंकलिन है वो रूफ पे जा रहा है। Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. तो गाइस यहाँ पे रूफ पे चढ़ना है एक बंदे को। तो यार गाइस यहाँ पे फ्रैंकलिन है, उसको काम दिया गया है कि तू रूफ पे जा, तो वो रूफ पे चढ़ रहा है अभी। और इसके बाद आई थिंक पीछे की ओ नो 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 फ्रैंकलिन नो बाबू। तो गाइस इन लोगों का बहुत ही तगड़ा खतरनाक प्लान है। अरे फ्रैंकलिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस चोरी को लेके। We're in position, waiting on your
तो गाइज यहाँ पे इसको सिग्नल देना है कि ये यहाँ पे पहुँच गया है जहाँ पे माइकल पहले आया था। तो गाइज Hold on. Shit, I overcooked. Shit, too far. There was too much on that one. तो गाइस फाइनली मैंने फेक तो दिया है और जो जहरीली गैस है वो इसी के थ्रू नीचे जा भी रही है। तो यहाँ पे जहरीली गैस का असर चालू होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये लोग बेहोश हो चुके हैं। ओह नो। तो गाइस इट्स टाइम टू लेट्स रॉब इनसाइड, लेट्स गो ब्रो। तो गाइस जल्दी जल्दी हमें यहाँ से लूटना है कुछ कुछ। तो गाइस फटाफट, वी डोंट हैव टाइम, दैट मच टाइम। तो गाइस यहाँ पे फटाफट हम लोग लूटते जा रहे हैं लूट। तो गाइज यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने गाइज यहाँ से फटाफट हमें निकलना है। तो गाइज फाइनली हमने बहुत सारी ज्वेलरी लूट ली है और इट्स टाइम टू नाउ। तो गाइज अभी हमें अपने क्रू के साथ भागना है यहाँ से। हमारा जो क्रू है वो जा रहा है उधर की तरफ। तो गाइज अभी यहाँ पे लाइक धूम थ्री की तरह हम लोग भाग रहे हैं सोना चांदी लूट के और हमारे चारों तरफ पुलिस है गाइज। तो दिस आर माई बॉयज, इनके साथ ही हमें भागना है। गाइज यहाँ पे हम लोग बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं। ओ तेरी, ये तो गुफा में जा रहे हैं यार। ओ माई गॉड। तो भाई ये तो अंडरग्राउंड रास्ता मुझे कभी पता ही बताया ही नहीं था इन्होंने। और ये देखो ये लोग भाई टर्नल वर्नर से लेके मुझे जा रहे हैं यार, और मेरे को आज तक पता ही नहीं था कि इधर से भी जाना है। और ये मेरे को प्लान में बताया तो था लेकिन गाइज यहाँ पे हमने बहुत सारी ज्वेलरी लूटी है गाइज, और हमारे पास अब ढेर सारा पैसा हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ ब्रो।
गाइज ये सीवर है, हम लोग सीवर में आ चुके हैं। मतलब एक गंदा नाला है ये, और ये भाई ये लोग बहुत ही अच्छे से भाग रहे हैं भाई। ये तो बहुत प्रोफेशनल चोर हैं भाई। वाह यार मज़ा ये आ गया। बहुत सारे हमारे पास पैसे हैं और देखते हैं हमारे दोस्त। गाइज यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, आई रियली इम्प्रेस्ड विद यू गाइज। ऐसे ही वाओ यार। गाइज हमारा व्यू Boys, I am coming. Don't leave me alone. Oh no. Hang in there, boys. I got this covered. Shit, man, we should turn. Keep driving. The bull bars on this truck should help us with the cops. Get these cops off us. Bro, it ain't much of a river. Drive across it. So guys, abhi plan ye hai ki jo hamare boys ja rahe hain, unko hame is bike pe लेके आना है। तो गए बच्चों आ जाओ इसमें, ट्रक में आओ। No cops in the area. I think we got a chance. All right, we're clear of the cops for right now. We'll stop at the end of the river and we'll get the bikes into the truck. So guys, ab hame kya karna hai ki hame in bikers ko sabko truck mein bharna hai. So guys, ye dekhiye yahan pe ek bahut badi chori ko kaise anjaam diya ja raha hai like a dhoom. So guys, please bachcho jaldi aa jao because Lester's around the corner at the lockup. तो गाइस अब यहाँ से भागने की तैयारी की जाए क्योंकि पुलिस वाले हमारा पीछा करे जा रहे हैं। तो गाइस क्या आप सोच सकते हैं कि तो गाइस ये बहुत बड़ी एक खतरनाक प्लानिंग थी जिसका बहुत ही सक्सेसफुली हमने Finally guys, हमारा ये मिशन लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे आ रहे हैं जहाँ पे हमें जाना है। Call your gym guy, Lesty baby, cause we got merchandise. तो गाइज हमारी जो फर्स्ट रॉबरी थी वो हमने कंप्लीट कर दी और देखते हैं हमारे पास कितना सारा है। तो गाइज ये मेरी टीम है जिसको मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है। तो गाइज ये थी एक बहुत ही अच्छी प्लान की हुई रॉबरी और पुलिस ने हमें पहचान भी नहीं पाई और हमें पकड़ भी नहीं पाई। तो गाइज फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। तो गाइज फाइनली हमने ज्वेलरी शॉप को लूट लिया है और बहुत सारी पुलिस को चकमा देते हुए नालियों से होते हुए हम एक ट्रक में आके अपनी बाइक लोड कर दी लाइक धूम मूवी और फिर उस ट्रक को हमने एक जगह पर छुपा दिया है। तो गाइज ये थी हमारी प्लानिंग और आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो गाइज इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। एंड मैं मिलता हूँ आपको GTA 5 के नेक्स्ट गेम प्ले में। टिल देन सी यू गाइज़।